दोस्तों, तो आज हमें इस ब्लोअर का कॉइल, इसकी जो हीट मारती है ये शॉर्ट हो गई है, तो कॉइल चेंज करनी है। तो किस तरह से करते हैं, चलिए देखो वीडियो पूरी अच्छे तरह से। दोस्तों ये देखिए, ये मैक्स का ब्लोअर है, मॉडल नंबर है 850A। तो आप लोग मॉडल नंबर देख लीजिए। तो मोबाइल में या कोई हार्डवेयर, कोई भी टीवी वाला या फिर कोई भी रिपेयरिंग वाला हो, तो ये ब्लोअर मशीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी कॉइल अंदर रहती है, वो आपको बता देता हूँ मैं। ये उड़ जाती है, तो उड़ने के बाद क्या होता है, जो हमें गर्म हवा जो हीट देती है वो काम नहीं करता है। तो ये कॉइल जो काम करती है वो हीट करती है, गर्म एयर जो हमें देती है, कुछ भी शोल्डरिंग मशीन या फिर कनेक्टर या फिर कुछ भी लगाना हो शोल्डरिंग के साथ में। तो यही देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लॉक है, ये कॉइल होती है, ये कॉइल है दोस्तों। ये कॉइल आपको अभी ये मुझे रिपेयर करना है, इसको चेंज ही करना है। तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि ये लॉक है इसमें, तो ये लॉक को हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एकदम, ये नई मशीन है, तो यहाँ पर अभी ये कम से कम 2-3 महीना हो गया था ये मशीन लेके, तो इसकी कॉइल उड़ गई, क्योंकि काम हमारा ज़्यादा होता है तो इसलिए ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हम लोग एक्स्ट्रा कॉइल ला के रखते हैं। तो आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कॉइल चेंज किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा लॉक हार्ड है, इसका प्लास्टिक का है, तो यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको कॉइल को अलग करने का। ये आप लोग लॉक देख रहे होंगे नीचे, ये देखिए, ये कॉइल कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे का आपको ये स्क्रू रहते हैं ये खोल के, जैसे वीडियो में बताया था उसी तरह से ओपन करना है, और कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पर बस सब इधर ही होता है जो ये कॉइल होता है। अब भी इसे हम लोग करते हैं बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, निकल नहीं रहा है दोस्तों। तो इसे करते हैं हम लोग शोल्डरिंग से, थोड़ा जो प्लास्टिक है ऊपर का उसको जॉइंट है, थोड़ा उसको लगा देते हैं तो थोड़ा आसान। दोस्तों मैं शोल्डरिंग मशीन लेता हुआ और इसे निकालने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा लॉक लगा हुआ था प्लास्टिक का चिटका हुआ, तो इसे थोड़ा शोल्डरिंग से गर्म होती है तो प्लास्टिक भी थोड़ा इसमें थोड़ा गैप बन जाएंगी, तो यहाँ पर ये आसानी से निकल जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को भी करना है, अगर आपकी कॉइल गर्म होती है, आपकी कॉइल अगर ख़राब होती है तो आपको चेंज कॉइल करना हो, तो ये देखिए ये बाजू में रखा हुआ है, देखिए नई कॉइल आप लोग देख रहे होंगे उसके हाथ के बाजू में, देखिए कॉइल रखा। और ये देखिए ये ख़राब वाला जो तार इसमें रहते हैं वो निकल जाते हैं, इसके आगे जो तार दिख रही है आपको वही गर्म होता है, और वही एयर जो होती है हमारी वो गर्म हवा बाहर फेंकती है। तो दोस्तों ये ख़राब हो चुकी है, देखिए यहाँ से ये कॉइल निकल गई है, कॉइल मतलब जो तार टूटी हुई है, सिंपली बात बोली तो ये तार टूट गई है। तो इसको हम लोग करते हैं बाजू में साइड में रख लेते हैं और नई वाली लगाते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से चेंज कर, काफ़ी आसान है दोस्तों, आप लोग आसानी से घर में ये कर सकते हैं। तो देखिए ये लॉक सिस्टम होता है, यहाँ पर ये देखिए नई कॉइल को इसमें हम लोग फिट कर रहे हैं, और यहाँ पर बस अंदर इसको डाल के यहाँ पर फिट कर देंगे हम लोग। ये देखिए सिर्फ लॉक है, किसी किसी का दोस्तों बड़ा छोटा साइज आते रहता है, तो आप घबराने की कोशिश मत करो, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करो उसी में, या फिर हम लोग जब भी कॉइल ख़राब होती है तो हम लोग इसी तरह से ये लगा देते हैं दोस्तों। ये देखिए ये इसमें लॉक है, ये आपको तो पता होगा सब में आजकल ऐसे ही लॉक आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसे लगा देते हैं हम लोग, ये वाला जो आपको नई कॉइल दिख रही है, तो इसको लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है दोस्तों, लेकिन ये मैच हो जाता है दोस्तों, ये काफ़ी खाली थोड़ा बड़ा छोटा होता है, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ नहीं, आपको घबराने की कोशिश नहीं है, तो बिल्कुल ट्राई करते रहिए। ये देखिए अंदर चला गया, इसको कर देते हैं अंदर प्रेस, अच्छे से लॉक कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए लॉक हो चुका है, और इसको बस उसी तरह से फिट करके अंदर रख देना है दोस्तों। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप लोग आसानी से ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें मैं ये अंदर डाल देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये सेट हो जाए और अपना काम चालू हो जाएगा दोस्तों। जो भी हम लोग चेक करेंगे इसको लगाने के बाद कि गर्म हवा दे रही है नहीं। देखिए यहाँ पर एक स्क्रू है, इसको निकाल देता हूँ मैं, ताकि ये जो वायर जो मैंने बाहर खींची थी निकालते टाइम उसको बराबर लेवल में कर सकूँ दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर इसको निकाल दिया स्क्रू, और इसको डाल देता हूँ अंदर अभी।
ताकि पीछे से थोड़ा आसानी हो गई है वो स्क्रू निकालने से, और ये आसानी से अंदर चला गया। दोस्तों ये देखिए, ये जो कॉइल इसी तरह से लगाई जाती है, कुछ अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये कॉइल आपको मार्केट में मिल जाती है आराम से, 50-60 रुपए की आ जाती है कॉइल। ये अच्छी क्वालिटी लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 रुपये की आ जाती है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से ये फिट कर लेते हैं, और चलिए यहाँ पर मैं फिट कर लेता हूँ। आप लोग वीडियो दोस्तों देखते रहिए पूरा, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों वीडियो आप देख रहे होंगे तो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी साथ साथ में कर देना। दोस्तों ये देखिए फिट कर रहा हूँ मैं अभी, यहाँ पर ये ऊपर वाला एक स्क्रू लगा के चेकिंग कर लेता हूँ बस, कि ये हवा हमारी गर्म मार रही है या नहीं। पहले प्रॉब्लम ये हो रहा था कि गर्म हवा नहीं मार रही थी, तो वो कॉइल का ही प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो चलिए एक स्क्रू लगा के मैं यहाँ पर इसे फिट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं देखिए एडजस्ट कर लेता हूँ, वायर भी अंदर डाल देता हूँ बराबर से सब सेटिंग। और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने फिट कर चुका हूँ, और ये मैं चालू करके यहाँ पर अभी चेक कर रहा हूँ दोस्तों, वापस स्क्रू लगा दिया हूँ। आप लोग देख रहे होंगे अभी हवा गर्म दे रही है, ये बिल्कुल सही हो गया है दोस्तों। इसी तरह से ये चेंज करते हैं, और आगे के जो स्क्रू होते हैं तीन, वो लगा लेते हैं हम लोग। और आपकी मशीन दोस्तों हो गई है तैयार, और कॉइल आपको जो भी चेंज करना है इसी तरह से करते हैं दोस्तों। तो ओके दोस्तों, एकदम बढ़िया से काम कर रही है ये नई कॉइल। और ये देखिए इसका पाइप का प्लास्टिक भी नहीं निकला हुआ है, ये नया मशीन था, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीना हुआ रहेगा इस मशीन को, और ये प्रॉब्लम दे चुका है। तो हम लोग को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, ये कॉइल एक्स्ट्रा ला के रखना है। अगर आपका दुकान रिपेयरिंग का हो, हार्डवेयर का हो, या कोई भी काम का ब्लोअर जिसमें काम में आती है, आपको बस कॉइल एक्स्ट्रा ला के रखना है। कभी भी आप मार्केट जाएंगे या फिर दुकान में जाएंगे तो एक्स्ट्रा इसका लेके आना, और जो जूना वाला रहता है वो सैंपल संभाल के रखिए, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आसानी से मिल जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।